नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। नया महीना यानी कि जुलाई का महीना शुरू हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जुलाई के महीने में बैंक कितने दिनों के लिए बंद रहेंगे, क्योंकि जो लोग हमेशा ही बैंक से जुड़े कामकाज करवाते हैं या जिनका पैसा किसी कारण से फंसा हुआ है, किसी को बैंक अकाउंट खुलवाना है, इसके लिए ये बेहद जरूरी है कि हम महीने के शुरू होने से पहले ही ये समझ ले कि आखिर किस किस दिन बैंक में छुट्टी रहने वाली है। ऐसे में बता दें आपको कि जुलाई महीने के शुरू होने से पहले ही आरबीआई ने होलीडे कैलेंडर जारी कर दिया है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 14 दिनों के लिए जुलाई महीने में बैंक बंद रहने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं और साथ ही साथ होलीडे कैलेंडर में क्या कुछ जिक्र किया गया है ये भी आपको बताते हैं। बता दें कि जून का महीना खत्म होने वाला है और अगर अगले महीने जुलाई में आपको बैंक से जुड़े कोई जरूरी काम करवाने हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के जुलाई 2022 के होलीडे कैलेंडर के अनुसार महीने में पूरे 14 दिन बैंक में कामकाज बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान ग्राहक अपने बैंकिंग काम निपटाने के लिए डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां आपको छुट्टियों के बारे में बता दें कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि आरबीआई की बैंक छुट्टियों की लिस्ट देश भर के राज्यों में मनाए जाने वाले अलग अलग त्योहारों के हिसाब से बनाई जाती है। इसके लिए अगले महीने पड़ने वाली छुट्टियों में शनिवार और रविवार की छुट्टी भी शामिल है। ऐसे में एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिर वो दिन कौन कौन से हैं जब बैंक में छुट्टी रहने वाली है। बात करें तो 1 जुलाई को कांग यानी कि रथ यात्रा और भुवनेश्वर इफलाल की छुट्टी रहेगी। 3 जुलाई रविवार है। इसके साथ ही 7 जुलाई खर्ची पूजा और अगरतला है। 9 जुलाई दूसरा शनिवार और साथ ही ईद उल अज़हा है जिसको लेकर छुट्टी रहेगी। 10 जुलाई रविवार है और साथ ही 11 जुलाई ईद उल अज़हा जम्मू और कश्मीर में छुट्टी रहेगी। 13 जुलाई को भानु जयंती है, ऐसे में गंगटोक को छुट्टी रहेगी। 14 जुलाई को छुट्टी रहेगी सिलांग में। 16 जुलाई को भी हरेला को लेकर देहरादून में छुट्टी रहेगी। वहीं 17 जुलाई को रविवार है, सभी जगह छुट्टी रहेगी। 23 जुलाई चौथा शनिवार है, सभी जगह छुट्टी रहेगी। 24 जुलाई रविवार है, उस दिन भी सभी जगह छुट्टी रहेगी। 26 जुलाई केड़ पूजा है, ऐसे में अगरतला में छुट्टी रहेगी। और 31 जुलाई रविवार है, सभी जगह छुट्टी रहेगी। तो ये थी छुट्टियों की लिस्ट जो कि आरबीआई की तरफ से जारी की गई है। बता दें कि अलग अलग राज्यों के लिए ये छुट्टी की लिस्ट जो है वो आरबीआई की तरफ से बनाई गई है। चूंकि जो पर्व त्योहार होते हैं उसे ध्यान में रखकर देश भर के लिए ये होलीडे लिस्ट निकाला जाता है, जिसको लेकर आप अपने राज्य के हिसाब से इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं कि आखिर आपके राज्य में किस दिन छुट्टी रहने वाली है। लेकिन बात अगर हम करें तो सिर्फ बैंक बंद रहेंगे, डिजिटल माध्यम से आप बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पैसे की निकासी को लेकर हो या फिर अलग अलग ऐसी चीजें होते हैं जिसको लेकर हम हमेशा से ही बैंक से लिंकअप रहते हैं, अपना काम हमें करवाना होता है। ऐसे में आप ऑनलाइन माध्यम से बैंक के काम को सुचारू रूप से कर सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आपको बैंक जाकर किसी काम को करवाना है तो इस लिस्ट को आप पहले जरूर देख ले और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही अपने काम को प्लान करें ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।